हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल गुरुप्रिया स्टाइल में स्वागत है और मैं हूँ सोनी। तो आज बनाई थी मैंने जो है मूंगफली की चिक्की, जो बच्चों को मेरे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इस ठंड के मौसम में तो मूंगफली काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, हेल्दी भी होता है। तो बस मैंने सबसे पहले मूंगफली को गैस को लो से मीडियम करते हुए अच्छे से भून लिया था, बराबर से इसको चलाते हुए भुना था। बराबर से चलाते रहने तो मूंगफली जो है जल जाती है, और तेज़ आंच पर न भुने नहीं तो अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर से जो है उसका परत काला काला हो जाता है। तो बस चलाते हुए मैंने इसको भून लिया था। भूनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगा था, क्योंकि लो से मीडियम गैस को रखा था, अच्छे से भून लिया था। और जब इसका छिलका हाथ से मसलने पर निकलने लगे तो हमारी मूँगफली जो है भून जाती है, या फिर सूंधी सूंधी महक भी आने लगती है। तो बस मूंगफली भुन चुकी थी, मैंने इसको जो है एक थाली में निकाल लिया था, क्योंकि मुझे जो है इसका छिलका निकालना था। फिर मैंने जो है कढ़ाई को जो है अच्छे से साफ कर लिया था, और इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग भुना था सफ़ेद वाला तिल, जो मुझे जो है इस चिक्की में डालना था। इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है, और तिल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसलिए मैंने 2 चम्मच के लगभग डाला था कि टेस्ट उसका अच्छा आएगा। तो बस तिल को भी लो से मीडियम गैस को करते हुए बराबर से चलाते हुए मैंने भून लिया था, और 2 चम्मच ही था तो इसको एकदम टाइम नहीं लगा था, तुरंत भून गई थी, कढ़ाई गर्म थी। फिर मैंने जो है छिलका जो है अच्छे से हाथों से मसल के मैंने जो है मूंगफली का सारा छिलका जो है निकाल लिया था। आप चाहें तो अगर गर्म है, थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म रहे तभी निकालें तो अच्छे से निकल जाता है, या फिर सूती कपड़े में मल के भी इसको निकाल सकते हैं। तो बस सारे छिलका जो है मैंने निकाल लिया था, अच्छे से साफ़ हो गई थी। फिर मैंने लिया था एक जो है जिससे जो है अदरक कूटते हैं, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको क्रश कर दिया था, यानी 2 टुकड़ों में कर दिया था, हल्का हल्का सा। 2 टुकड़ों में कर लेने से चिक्की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ा सा छोटी हो जाती है। अगर नहीं तो आप चाहे तो एक बार सिर्फ हल्का सा मिक्सी को चला सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने का डर रहता है, तो बस ऐसे ही या फिर बेलन से भी इसको जो है मसल सकते हैं। फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था आधा चम्मच घी, देसी घी डाला था मैंने, घी ही डाले। फिर 1 कटोरी मैंने डाल दिया था चीनी, क्योंकि 2 कटोरी मूँगफली थी तो मैंने 1 कटोरी चीनी डाला था। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, गैस को लो से मीडियम करते हुए इसको जो है बराबर से चलाते हुए जो है कैरेमल बनाना था, तभी जो है चिक्की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बनती है। वैसे अगर आप चाहें तो गुड़ की भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला था चीनी का बनाने के लिए, गुड़ का मैंने बनाया था इससे पहले, तो फिर बोले कि चीनी का, तो उन्हें चीनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चीनी की जगह आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, गुड़ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस चीनी को मैंने जो है बराबर से चलाते हुए जो है इधर गैस को लो कर दिया था, उसको चलाते हुए बना रहे थे, तब तक मैंने जो है बेलन में लगा लिया था घी, घी को टकरा के लगाया था, और एक थाली पर भी मैंने जो है घी लगा दिया था, क्योंकि इसी पर चिक्की को बेलना था। घी ज़रूर से लगाएं तो चिपकती नहीं है, अच्छे से बन जाती है। तो बस दस जो है मेरा जो है चीनी जो है देखिए धीरे धीरे करके, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, जो चाशनी पानी डाल के बनती है वो जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन कैरेमल बनाने में यानी चीनी को पिघलाने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है। तो बस धीरे धीरे करके बराबर से चलाते हुए, और ये देखिए कितनी अच्छे से पिघल के कितना बढ़िया कलर आ गया था। तो बस ये हमारी जो है कैरेमल यानी चीनी जो है अच्छे से घुल चुकी थी, जो ही घुल जाए तो ही मैंने जो है इसमें डाल दिया था मूँगफली, साथ ही जो है मैंने तिल भी डाल दिया था। दोनों चीज़ों को डाल के तुरंत ही गैस को ऑफ कर दिया था, और फिर जो है इसको अच्छे से मिला लिया था, बराबर से चलाते हुए तुरंत ही कढ़ाई में अच्छे से जब मिल गया था तो तुरंत ही मैंने इसको जो है थाली पे निकाल दिया था। तो एकदम से बराबर से चलाते हुए पूरा मिला लें, ताकि मूंगफली में अच्छे से मिक्स हो जाए, तुरंत ही मिक्स हो जाती है और तुरंत ही टाइट होने का डर रहता है। तो फिर तत्काल ही इसको थाली पे मैंने जो है निकाल दिया था पलटे से, और निकाल के उसी पर जो है फैला दिया था। थोड़ा सा हाथ में चाहे तो पानी लगा के हाथ से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ जलने का डर है, इसलिए इसको किसी भी चीज़ से आप जो है चम्मच से जो भी बचा हुआ हो उसको अच्छे से निकाल लें। फिर हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इसको गोल कर दिया था, और फिर बेलन से जो है बेल लिया था। काफ़ी अच्छे से बेल जाता है, लेकिन एकदम गर्मा गर्म ही तुरंत बेलें, एकदम ठंडा ना होने दें, नहीं तो तुरंत ही चिक्की जो है जम जाती है और टाइट हो जाती है। तो बस लगातार बेलते हुए जैसा भी शेप आता है आप बना लें, चाहे तो हाथ से हल्का सा गोल कर सकते हैं, या फिर चारकोन का भी बना सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरी थाली भर के मैंने पतला सा लेयर बनाया था, अगर मोटा लेयर भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन पतली लेयर की चिक्की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है।
तो बस मैंने पूरा जो है बेल दिया था, बेल के जो है, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से भील गई थी, थोड़ा भी बेलन में नहीं लगा था क्योंकि घी लगा हुआ था, तो और अच्छे से बेल जा रही थी। तो इस तरह से आप चिक्की को तैयार कर लें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। तो बस ये इसको मैंने 10 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था, 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो गई थी। और ये देखिए मैंने इसको हाथ से ही तोड़ दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में, और काफ़ी अच्छे से टूट जाती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।